एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीव लाइव विद यास्मीन। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करना और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो कुछ टाइम पहले मैं और मेरी फैमिली गए थे अजमेर शरीफ के मज़ार पे। एक्चुअली जाना तो हमें कहीं और था, जयपुर वगैरह का प्लान बन रहा था, लेकिन अचानक ही अजमेर शरीफ जाने का प्लान बन गया। वो कहते हैं ना, जब ख्वाजा का बुलावा आता है तो इंसान कुछ भी सोचता समझता नहीं है, बस उसका प्लान अचानक ही बन जाता और वो पहुंच जाता है ख्वाजा के मज़ार पे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हम लोग अचानक ही चले गए थे, इसलिए हमने ट्रेन वगैरह किया, बस की किसी की ट्रेन बुक नहीं की थी, अपनी ही गाड़ी से चले गए थे। हमने सुबह 7 to 8 o'clock यहाँ से निकल गए थे और रात में 11 to 12 o'clock तक घर हम वापस आ गए थे। तो सेम डे का ही हमारा अप डाउन था, तो हम निकल गए थे। तो वीडियो कुछ लेट आई है क्योंकि मेरी तबीयत एक्चुअली कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा लेट अपलोड की है मैंने वीडियो। तो ये हमारा रास्ता था और रास्ते में जब इस तरह की खूबसूरत चीज़ें मुझे देखने को मिलती है ना, ये व्यू मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़, पेड़, रास्ता, यहाँ का रोड मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और जब फैमिली साथ में हो तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता ही है, एंजॉय करते हुए जाता है इंसान। तो हमारे साथ भी यही सब हो रहा था और गाड़ी ड्राइव कर रहे थे मेरे भाई, बाकी सब हम लोग पीछे बैठे हुए मस्ती कर रहे थे। और बहुत खूबसूरत ट्रिप रहा ये हमारा। और रास्ते में जो छोटे मोटे से जो मंकी आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये हमारी गाड़ी को उन्होंने आगे से भी कवर कर लिया था तो गाड़ी हमें रोकनी पड़ी और फिर हम इनको देखने लगे थे। छोटे छोटे से भी मंकी थे, वो बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। और फिर इतना लंबा जब ट्रिप होता है तो रास्ते में आपको खाना भी खाना ही होता है, तो वही हम बस एक जो हाईवे पर जो ढाबे होते हैं उन पर हमने गाड़ी रोक के अपना लंच किया। जो ढाबे का जो खाना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपने कभी टेस्ट किया होगा तो बहुत टेस्टी होता है खाना, जो भी आप मंगाओगे ना वो सब में बहुत टेस्ट होता है। तो हमने भी वही सब खाया था। तो खाने में हमने लिया था दाल, जिसको जो भी खाने का मन था वो सब उन्होंने ऑर्डर कर लिया था, दाल वगैरह, दाल फ्राई, छोले भटूरे और कढ़ाई पनीर, मलाई मलाई प्याज, पता नहीं मलाई कोफ्ता क्या क्या था। तो सब कुछ ही काफ़ी टेस्टी था, तो सब ने कंट्रीब्यूट करके आपस में खाया था। तो यहाँ से लंच ये देखिए सब है, तंदूरी रोटी और मलाई कोफ्ता, प्याज वगैरह, मलाई कोफ्ता, ये सब खा खू के हमारा लंच कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम फिर से निकल गए अजमेर शरीफ के बाज़ार के लिए। और ये ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा था, बहुत मज़ा आया। सेम डे का ही था हमारा अपना, लेकिन हमने अच्छे तरीके से सब कुछ घूमा। मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, मैं इससे पहले कभी नहीं गई थी अजमेर शरीफ। तो मैं और मेरी सिस्टर पहली बार ही गए थे, सोचते बहुत थे जाने के लेकिन कभी जा ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पर हमें 5 stall मिले थे, ये सेकेंड टॉल था हमारा। और हम पहुँच गए अजमेर शरीफ, बस दरगाह में हम पहुँचने ही वाले हैं। एक्चुअली यहाँ की जो मार्केट है ना, वो भी काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट है। आप जब यहाँ आएंगे तो ऑब्वियसली कुछ शॉपिंग ज़रूर करता है इंसान, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाता है। लेकिन मार्केट में इतना क्राउड था, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था बिना उर्स के। जब उर्स यहाँ पर होता है ना, तब तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, और बिना उसके भी बहुत अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इतने क्राउड था कि मैं यहाँ की मार्केट को शूट नहीं कर पाई, लेकिन मार्केट काफ़ी अच्छी है, बहुत कुछ आप लेके जा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से। और ये था अजमेर शरीफ का मज़ार आ गया है, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है इसका मेन गेट, यहाँ से हम एंटर करेंगे मज़ार के लिए। तो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, अभी उर्स नहीं चल रहा है तब भी इतना क्राउड है। आप सोच सकते हैं आपकी जब उर्स होगा तो कितना क्राउड होगा। तो ये सब थोड़ा बहुत मैंने देखा है आपको। और ये जो देख रहे हैं ना, ये है देख, यहाँ की देख है जिसमें यहाँ का लंगर बनाया जाता है। इसके अंदर जो देख रहे हैं ये है पैसे और कुछ खाने का सामान इसमें डाला हुआ है लोगों ने, और पैसे वगैरह हैं। इन पैसे को और खाने को सबको मिला के यहाँ पर लंगर बनाया जाता है, जो लोगों को बांटते हैं, सर्व करते हैं लोगों को। तो ये है छोटी देख, और अब जो मैं आपको दिखाऊंगी ये है बड़ी देख। ये देखिए, और ये सब यहाँ पर सेम देख है, दोनों का ही लंगर बनाया जाता है। Thank you.
मथुरा में बावरी होती है, इसमें बीच में पानी भर के रखा होता है, पानी होता है इसमें, और इसमें लोग आते हैं नहाते हैं, कुछ लोग आके नहाते हैं अपना, और इसमें कुछ फूल वगैरह डले हुए हैं, और बीच में एक तराजू और फ्लैग लगा हुआ था, और साइड में कुछ ये कैंडल्स थी, तो इस तरह की कुछ बावड़ी थी यहाँ पे। और फिर ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये बन रहा है लंगर, इसमें 10 एक एक साथ खाना बन रहा है और लोगों को बारी बारी से लंगर खिलाया जा रहा है, तो दरगाह का ही लंगर बन रहा था यहाँ पर। और ये है पूरा, इस तरह का ये पूरा एरिया है, यहाँ पर लोग बैठते हैं आके ज़ियारत करते हैं। और ये है वज़ू खाना, जहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो यहाँ बैठ के पहले वज़ू बनाते हैं। ये पाक पानी होता है, एकदम वज़ू का साफ़ पानी है, इसमें कुछ थोड़े बहुत लोगों ने रोज़ वगैरह के पेटल्स डाल दिए हैं, बाकी ये पानी बहुत साफ़ होता है, एकदम पाक है पानी। यहाँ बैठ के लोग वज़ू बनाते हैं और फिर नमाज़ के लिए जाते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत जगह थी। और फिर हमें सारा एक दिन में ही कवर करना था, हमें एक दिन में फटाफट सारा विज़िट करना था, तो हम आना सागर के लिए निकल गए थे, जो दरगाह के बहुत पास पे ही है आना सागर, तो हम लोग फिर वहाँ चले गए थे। आना सागर में ये पहले शुरू में एक अच्छा सा गार्डन है, यहाँ लोग आकर बैठते हैं तो पिकनिक वगैरह भी करते हैं यहाँ पर लोग, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, तो ये पार्क था खूबसूरत सा, इधर इस साइड भी और इस साइड भी, और फिर आगे था यहाँ पर ये आना सागर। ये देखिए हम आना सागर आ गए हैं, ये है, इसमें बहुत छोटी छोटी सी बड़ी हर साइज़ की फ़िश थी, इसलिए हमने ना दाना भी खिलाया था, क्योंकि ना जब इसमें दाना डालोगे ना तो सारी फिश एकदम से आपके पास आ जाती है, बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ बोटिंग हो रही थी, हमने तो बोटिंग नहीं करी क्योंकि मैं पानी से बहुत डरती हूँ, मैं पानी में नहीं जा सकती थी। और ये दिन का व्यू है शाम के टाइम, और शाम के टाइम तो यहाँ पर और खूबसूरत नज़ारा होता है क्योंकि लाइटिंग वगैरह होती है, तो शाम में तो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें अभी निकलना था वापस घर के लिए, तो हम शाम का वेट नहीं कर पाए। और ये था, ये देखिए फ़िश इसमें दिख रही है, हम इनको दाना डाल रहे थे तो ये हमारे पास आ गई थी सारी फ़िश, और बहुत बड़ी बड़ी फ़िश भी थी इसमें और छोटी छोटी भी थी, सब एक ही जैसी थी लेकिन साइज़ में बड़ी छोटी थी, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और बस फिर वहाँ से हम निकल गए थे दोबारा घर के लिए, और फिर ये रास्ते में वही सेम रेस्टोरेंट हमको मिला, वहाँ पर हमने अपना डिनर कंप्लीट किया। भूख इतनी थी कि मैं डिनर को शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हमने वहाँ तो और कुछ नहीं खाया था, हमने ये डिनर किया था। तो ये था मेरा अजमेर शरीफ का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को मुझे इतना मुझे सपोर्ट करती रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।